अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है तो शायद आपका जवाब ये हो सकता है कि बहुत बड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारी पृथ्वी असल में कितनी बड़ी है। इसके बारे में जानने के बाद मेरा दावा है कि आप हमारी पृथ्वी का आकार देखकर जरूर चौंक जाओगे। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, विशाल सा दिखने वाला एक ग्रह ब्रह्मांड की तुलना में कितना बड़ा है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं चांद को। चांद हमारी पृथ्वी से दिखने में काफी नजदीक लगता है, क्योंकि यही एक चीज है जिसे हम रात में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन चांद हमसे इतना नजदीक नहीं है, बल्कि इतना दूर है कि इस दूरी के बीच में लगभग 30 पृथ्वी और आ जाएंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आगे की पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। अगर हम कार से किसी तरह चांद पर जा सकें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम चांद तक पहुंच जाएंगे, और हमें ऐसा करने में 160 दिन लगेंगे। और चांद में पहुंचने के बाद पृथ्वी का दृश्य कुछ ऐसा लगेगा जो हम देखेंगे कि पृथ्वी काफी बड़ी लग रही है। लेकिन जब हम अपने पृथ्वी को मार्स से देखेंगे तो ये छोटा सा डॉट दिखेगा। जो आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसी दिखेगी हमारी पृथ्वी मार्स से। मार्स की एवरेज दूरी हमसे 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो यहाँ तक कि 400 मिलियन किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें मार्स पे जाना पड़े तो हमें चांद से 986 गुना ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि रोशनी की किरणों को भी 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से पृथ्वी तक पहुंचने में। इसका मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेशन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन दो ग्रहों के बीच। अगर हम और थोड़ा दूर जाएं तो हम ढूंढ सकते हैं इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे दूर उड़ने वाला वियोजर वनु स्पेस स्क्रिप्टेड, जिसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 138 एस्ट्रोमेनिकल यूनिट्स है, जहां एक एस्ट्रोमेनिकल यूनिट्स होता है हमारी पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस। वियोजर वन ने अपना कैमरा पीछे करके ये तस्वीर निकाली, जिसे देखने पर ज्यादा कुछ तो नहीं लगता, लेकिन ये पूरी इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये सफेद नीले रंग का छोटा सा दिखने वाला डॉट हमारी पृथ्वी है। वियोजर वन 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और इतनी स्पीड में आने के बावजूद भी हमारे सूर्यमंडल यानी सोलर सिस्टम से बाहर आने में उसे 30,000 साल तक के समय से भी ज्यादा तय नहीं किया जा सकता। और एक बार अगर हम सूर्यमंडल से बाहर निकल जाएं तो हम पहुंचेंगे इंटरस्टेलर नेबरहुड में, जिसे हम आम भाषा में हमारे सूर्यमंडल के पड़ोसी भी कह सकते हैं। सूरज के अलावा हमारे नजदीक सितारा है जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमा स्टोरी, जो कि हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। और अगर वियोजर वन उस तक पहुंच जाए तो उसे 70,000 साल लगेंगे यहां तक पहुंचने में। और अगर हम थोड़ा और करीब से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को, हमारा पूरा गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 1,00,000 लाइट ईयर बड़ा है। यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ प्लैनेट्स हैं। और थोड़ा करीब से देखने पर हम देख सकते हैं कि लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जो कि हमारे आसपास के स्पेस का एक हिस्सा है, जहाँ एक कलेक्शन 54 अलग गैलेक्सीज का है जो कि फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट्स की दूरी तक। लेकिन हम और जूम करने पर देख सकते हैं कि वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसका लोकल ग्रुप एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, और ये इतना बड़ा सुपर क्लस्टर एक रत्ती भर का दाना है। बड़े लाइन किया सुपर क्लस्टर का जो हमारे गैलेक्सी जैसे 1,00,000 और गैलेक्सी का घर है, जिसकी दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक 52 करोड़ लाइट ईयर है। और अगर हम यहाँ से जूम आउट करके देख सकें तो पूरे ऑब्जर्वेबल तक हम देख सकते हैं कि टाइटैनिक लाइन किया सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा ब्रह्मांड है उसी का, जिसे आज तक शायद ही हम देख पाए हैं। और ये है जिसके अंदर वो सब कुछ है जिसे हम आज तक देख पाए हैं। यहाँ कम से कम 1,00,000 करोड़ गैलेक्सीज हैं, और इन सब गैलेक्सीज में मिलजुल के इतने सितारे हैं जितने धरती पर रेत के दाने नहीं होंगे। हमारी पृथ्वी से और यूनिवर्सल के किसी भी कोने की दूरी है 4,650 करोड़ लाइट ईयर। इसका मतलब है इससे यूनिवर्स की पूरी लंबाई 9,300 करोड़ लाइट ईयर है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मांड के इस दिखने वाले हिस्से के पार क्या है, सोचा है कभी? आपको बता दें कि यूनिवर्सल में वो सब कुछ है जो हम आप देख सकते हैं। आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके पार का ब्रह्मांड और भी ज्यादा विशाल और भी कई ज्यादा रोमांचक है।
जिसका मतलब साफ है कि अगर चाहे इंसान करोड़ों साल तक और भी टिक जाए, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी कई जगह होंगी जो हमसे छुपी ही रह जाएंगी, चाहे हम उन्हें ढूंढने की कितनी भी कोशिश कर लें। कॉस्मिक इलेक्शन थ्योरी के कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा यूनिवर्स 150 सक्सेलेशन बड़ा हो सकता है। और फिर यूनिवर्सिटी कंपेरिजियम में ये नंबर कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें 0 देखकर आप चौंक भी जाओगे। और ये सोचने वाली बात है कि हम हमारी पृथ्वी, जो कि एक फुटबॉल के आकार की है, हम उसमें रह रहे हैं और हमें ये आइडिया नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। तो क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी इतनी सी पृथ्वी? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड इस वीडियो को देखने से पहले आपको कितना छोटा लगता था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और भी इसी तरह की वीडियोज हम आपके लिए लाते रहें।